welcome to ulterior facts this is the fourth lecture of classroom series subject code law of crime this is a continuation of lecture 3 in lecture 3 we are discussing about to understand the major jargon of the law of crime in this lecture we are doing the same thing just like uh, culpable homicide and murder what is the difference between culpable homicide which comes under section 299 of ipc

सो so, होमिसाइड का मतलब किसी की हत्या करना और किसी की हत्या करना भी दो तरीके की होती है होमिसाइड इज फर्दर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स द फर्स्ट पार्ट इज लॉफुल होमिसाइड एंड द सेकेंड वन इज अनलॉफुल होमिसाइड द लॉफुल होमिसाइड आर वंस दैट आर फॉल अंडर दी सी फोर्थ चैप्टर ऑन जनरल एक्सेप्शन एंड आर हैंड्स नॉट पेनालाइज मतलब लॉफुल होमिसाइड क्या होता है लीगल ड्यूटी परफॉर्म करते वक्त किसी की डेथ हो जाना कोई डेथ कॉज करना ये कहलाता है लॉफुल होमिसाइड जो कि एक जर्नल एक्सेप्शन चैप्टर फोर है आईपीसी का उसके अंदर आता है और इट इज़ नॉट पेनलाइज इसको पेनलाइज नहीं कर सकते फ्रॉम सेक्शन सेवेंटी सिक्स टू वन जीरो सिक्स उसके बाद आता है द होमिसाइड्स दैट आर पेनलाइज्ड अंडर द कोड जो होता है अनलॉफुल होमिसाइड अनलॉफुल होमिसाइड को एक तरह से और जान सकते हैं द डेथ विच इज़ नॉट जस्टिसफाई बाय लॉ Unlawful homicide are further divided in four parts first is the culpable homicide which comes under section 299 second is the murder which comes under section 300 the third type of unlawful homicide is rash and negligence which comes under section 304a and the fourth type is suicide which comes under section 305 and 306 now let's understand what is the difference between culpable homicide and murder नोट एड डाउन दिस इज नॉट द एग्जॉस्टिव डेफिनेशन इज जस्ट अ लेमेंट डेफिनेशन वी आर जस्ट गेटिंग टू अंडरस्टैंड वी आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड वॉट इज द बेसिक डिफरेंस ओके सो ये सारी चीज़ें दोबारा कवर होंगी केस मैट के अंदर और आगे भी नोट्स के अंदर इन डेप्थ सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंस बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड विच कम्स अंडर सेक्शन टू नाइनटी नाइन एंड मर्डर विच कम्स अंडर सेक्शन थ्री हंड्रेड इफ यू गो विद द डेफिनेशन ऑफ आई पी सी देन देयर इज नॉट सो मच डिफरेंसिस बिटवीन दीज टू इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज है क्योंकि ये दोनों एप्लीकेबल कब होंगे जब डेथ होगी फर्स्ट थिंग इज कॉमन डेथ होना जरूरी है वह भी अनलॉफुल डेथ दोनों के अंदर डेथ होने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि वेदर इट इज कम्स अंडर कल्पेबल होमिसाइड और वेदर इट कम्स अंडर मर्डर सेकेंड चीज जो कि कॉमन होती है दोनों के अंदर वो होती है इंटेंशन इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ मैंस्रिया दोनों के अंदर है कल्पेबल होमिसाइड के अंदर भी और मर्डर के अंदर भी तो बेसिकली डिफरेंस कहाँ आता है कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर के बीच में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर दोनों के अंदर नॉलेज होती है हमको कि हाँ इस एक्ट से इसकी डेथ हो सकती है या नहीं होगी ये नॉलेज भी दोनों में कॉमन होती है बट इन कल्पेबल होमिसाइड द नॉलेज ऑफ एक्ट लाइकली टू कॉज डेथ देर वी आर यूजिंग वर्ड लाइकली और इन मर्डर देयर इज अ नॉलेज ऑफ एक्ट डन सफिशियटली कॉज डेथ तो मर्डर के अंदर अगर हमें नॉलेज होती है कि कोई भी एक्ट सफिशेंट है इसको मारने के लिए तो वो मर्डर के अंदर आएगा और अगर कोई एक्ट लाइकली है मतलब जस्ट लाइक इट मे कॉज अ डेथ वो आता है कल्पेबल होमिसाइड के अंदर इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं हम यूज करते हैं एक ब्लंट नाइफ ब्लंट नाइफ मतलब होता है जिसके अंदर शार्पनेस नहीं है एक मोटा चपटा सा नाइफ है जिससे पता है हम कि इससे डेथ नहीं होगी पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे बॉडी के अंदर एंड इफ यू अटैक विथ दिस ब्लेंट लाइफ द डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी कॉजिंग डेथ इज लेस है ना अगर शार्पनेस ही नहीं है उस टाकू के अंदर तो उससे मारने के मतलब क्या है कि मतलब yeah. डेथ होना जरूरी नहीं है प्रोबेबिलिटी बहुत कम है क्योंकि वो पेनीट्रेट नहीं कर पाएगा मगर पेनीट्रेट नहीं कर पाएगा ये नॉलेज होने के बाद भी उस आदमी की डेथ हो गई बिकॉज सम नर्व्स और कोई पॉइंट पिन पॉइंट पर टच हो गया जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई तो दिस एक्ट कम्स अंडर कल्पेबल होमिसाइड और यही मर्डर के अंदर क्या आता है कि जब नाइफ जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो ब्लंट नाइफ लेके ना लेके शार्प नाइफ लिया है जो बुचर्ड हाउस में यूज किया जाता है जस्ट लाइक दैट एक ही बार में मारे और कट जाए तो इन मर्डर हेयर द डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉजिंग डेथ इज हाई क्योंकि आपको पता है कि ये एकदम शार्प नाइफ है इससे अटैक करेंगे तो ये तो फिनिश है ही है तो दिस कम्स अंडर मर्डर तो बेसिकली डिफरेंस कहाँ आया द डिग्री ऑफ इंटेंशन आपकी इंटेंशन कितनी है डिग्री ऑफ इंटेंशन पे डिपेंड करता है वेदर द एक्ट कम्स अंडर कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर देर आर मैनी मोर डायमेंशंस विच एक्चुअली डिफरेंशिएट बिटवीन द कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर बट वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द डिग्री ऑफ इंटेंशन राइट नाउ नाउ द नेक्स्ट थिंग इज ऑल द मर्डर्स कम अंडर कल्पेबल होमिसाइड मतलब जितने भी मर्डर्स हो रहे हैं वो सारे कल्पेबल होमिसाइड के अंदर आते हैं क्योंकि वो सारी चीज़ें कॉमन होती हैं लेकिन सारे कल्पेबल होमिसाइड जो भी होते हैं एक्ट वो मर्डर नहीं होते डेथ इज लेस होती है तो जितने भी सारे कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होते लेकिन सारे मर्डर कल्पेबल होमिसाइड होते हैं इसको एक वैन डाइग्राम से भी बना सकते हैं ये एक वैन डाइग्राम है इफ यू आर स्टिल फेसिंग डिफिकल्टीज यू कैन आस्क मी आई विल एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग्स अगेन इसके बाद एक जनरल नोट है सेक्शन 304 जो है आईपीसी का वो बताता है कि इट प्रोवाइड्स अ पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर मतलब जो भी कल्पेबल होमिसाइड है उसकी पनिशमेंट अगर कहीं मैंशन है तो सेक्शन थ्री जीरो फोर में मैंशन में है और कल्पेबल होमिसाइड किसके अंदर मैंशन है सेक्शन टू नाइन्टी नाइन तो आई होप दिस इज गेटिंग सम्पेबल होमिसाइड का क्या होता है इन जनरल सेंस अमाउंट टू मर्डर है ना नेक्स्ट देर आर समन्स फॉर मर्डर जो सेक्शन थ्री हंड्रेड में लिखा हुआ है उसके भी कई एक्सेप्शंस हैं कि मर्डर कब नहीं माना जा सकता अगर कोई आपको प्रोवोक कर रहा है देयर इज प्रोवोकेशन देन देयर आर सम एक्सेप्शंस दिस एक्ट इज नॉट गोइंग टू बी अमाउंट एज अ मर्डर है ना सेकंड एक्सेप्शन है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस थर्ड एक्सेप्शन है पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग गुड एंड फोर्थ एक्सेप्शन है नो प्री मेडिटेशन मर्डर ऑन सडन क्वेरल जनरली जाते ही सडनली झगड़ा हुआ और नो no, बिना इंटेंशन के भी डेथ कॉज हो गई तो ये आर एक्सेप्शंस हैं मर्डर के जिन्हें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे फर्दर ऑन जब दोबारा हम सारी चीजें करेंगे कवर नाउ अगेन कम बैक टू क्राइम लेट्स अंडरस्टैंड द क्राइम क्राइम इज़ मोरल टर्पीट्यूड विच कंसिस्ट ग्रीड लस्ट एंड हेट तो तीन चीजें होती हैं क्राइम के अंदर ग्रीड लस्ट एंड हेट हमारा रिलीजन क्या बोलता है रिलीजन कहता है रिलीजन सेड इफ वी रिमूव दिस थ्री फॉर्म्स फ्रॉम पर्सनस लाइफ देन क्राइम विल एंड क्राइम को एंड करने के लिए रिलीजन क्या कहता है कि ग्रीड लस्ट और हेट को डिलीट कर दो क्राइम ख़त्म हो जाएगा दूसरा वर्ड जो हमने यूज़ किया है एक्ट तो एक्ट क्या होता है एक्ट रिवॉल्व अराउंड इंटेंशन नेग्लिजेंस एंड स्ट्रिक लियाबिलिटी जो भी एक्ट है वो इन तीन चीज़ों के अराउंड रिवॉल्व करता रहता है इंटेंशन नेग्लिजेंस एंड स्ट्रिक्ट लियाबिलिटी इसके बाद है सेक्शन नाइन्टी फोर आई पी सी का सेक्शन नाइन्टी फोर जो है वो बताता है एक्ट टू विच अ पर्सन इज़ कम्पेल्ड बाई थ्रेड्स मतलब फोर्सली मर्डर करवाना आपने फोर्सली किसी और का हाथ पकड़ के किसी को शूट कर दिया तो ये कहते हैं एक्ट टू विच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेड्स जो कि सेक्शन नाइनटी फोर के अंदर मैंशन है नेक्स्ट गिल्टी माइंड कैन बी अंडरस्टूड बाय थ्री वेज तो गिल्टी माइंड को समझने के भी तीन तरीके हैं फर्स्ट इज द इंटेंशन जिसको कहते हैं रेकलेसनेस कंस्ट्रक्टिव इंटेंशन दूसरा मैथड है नेग्लिजेंस और थर्ड है स्ट्रिक्ट लियाबिलिटी टू अंडरस्टैंड द गिल्टी माइंड इन इंटेंशन एंड नेग्लिजेंस द डिफेंस ऑफ मिस्टेक इज अलाउड बट इन स्ट्रिक्ट लियाबिलिटी द डिफेंस ऑफ मिस्टेक इज नॉट अलाउड तो ये एक ज़रूरी बात है जिसको नोट करना है डिफेंस ऑफ मिस्टेक का मतलब क्या हुआ इन स्ट्रिक्ट लियाबिलिटी जस्ट लाइक फूड अडल्ट्रेशन एक्ट कुछ भी मिलावट करना कानूनी अपराध है आप एक क्राइम कर रहे हैं वेदर यू नो अबाउट दिस एक्ट और नॉट यहाँ पे डिफेंस ऑफ मिस्टेक अलाउ नहीं है कि आप किसी से बोले कि मुझे मिस्टेक हो गया मुझे पता नहीं था कि फ़ूड अल्ट्रेशन एक्ट के अंदर मिलावट करना क्राइम है सो यू कैन नॉट से लाइक दैट इसके बाद इंटेंशन भी फर्दर डिवाइड होता है इंटेंशनल एक्ट एंड अनटेंशनल एक्ट के अंदर इंटेंशनल एक्ट को हम कहते हैं पर्पजफुल होता है ये प्राइमरी फैक्टर भी होता है और डिज़ाइन ऑफ एन एक्ट जिसको कहते हैं सॉफ्टवेयर है इंटेंशन के अंदर डिज़ायर भी इन्वॉल्व होता है विदाउट डिज़ायर देयर इज़ नो इंटेंशन और अन इंटेंशनल एक्ट जो होता है एक बेसिकली इसको लिख सकते हैं कि नो पर्पस डिजाइन इसका कोई पर्पज डिज़ाइन नहीं होता अन इंटेंशनल एक्ट के अंदर तो दिस इज़ अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंटेंशनल एक्ट एंड अन इंटेंशनल एक्ट उसके बाद इंटेंशन एंड मोटिव को अंडरस्टैंड करने के लिए देर आर सम पॉइंट्स रिगार्डिंग मोटिव हाउ टू डिफाइन मोटिव तो मोटिव इज अल्टीरियर ऑब्जेक्ट एंड इंटेंशन इज इमीजिएट एक्ट अल्टीरियर ऑब्जेक्ट मतलब छुपा हुआ ऑब्जेक्ट रहता है ये अंदर का छुपा हुआ ऑब्जेक्ट है मोटिव आपका हमेशा छुपा हुआ रहता है कि मोटिव क्या है उसको पता करना बहुत ही डिफिकल्ट है सेकेंड पॉइंट देयर कैन बी मल्टीपल इंटेंशन इन अ क्राइम एक सिंगल क्राइम के अंदर कई सारे मल्टीपल इंटेंशन हो सकते हैं जस्ट लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मनी हीस्ट जो था ड्रामा जो है नेटफ्लिक्स के अंदर वो बैंक रॉबरी करने के लिए जाता है देयर आर मल्टीपल इंटेंशन कि वहाँ से रॉबरी करके किसी और को डिस्ट्रीब्यूट कर दें कुछ और कर लें कुछ और लेके आएँ देर आर कैन बी अ मल्टीपल इंटेंशन इन अ सिंगल क्राइम थर्ड पॉइंट मोटिव इज नॉट रिलेवेंट फॉर क्राइम बट इंटेंशन इज रिलेवेंट फॉर क्राइम बट इन फिक्सिंग क्रिमिनल लियाबिलिटी देन वी रिक्वायर मोटिव तो मोटिव की जरूरत कहाँ पर पड़ती है जब हमें क्रिमिनल लियाबिलिटी फिक्स करनी हो तो हमें मोटिव की जरूरत पड़ती है और लास्ट लेक्चर में हमें पढ़ा था मोटिव यूज करते हैं तब्सटेंशियल डिफरेंशियट करने के लिए जो एविडेंस होते हैं उसके सब्सटांसिस को डिफरेंशियट करने के लिए उसको अंडरस्टैंड करने के लिए भी मोटिव की जरूरत हमें होती है नेक्स्ट था हमने पढ़ा था इंटेंशन के अंदर डिज़ायर होती है उसका एक एक्सेप्शंस भी है इंटेंशन कैन बी विद डिज़ायर और विदाउट डिज़ायर तो इंटेंशन विदाउट डिज़ायर का एग्जाम्पल क्या हुआ सडन फाइट विच लीड्स टू डेथ जिसमें आपकी डिज़ायर नहीं थी उसको मारने की बट यू हैव टू किल दैट पर्सन बिकॉज ऑफ सडन फाइट सो इंटेंशन विदाउट डिज़ायर

नॉन एज कंस्ट्रक्टिव इंटेंशन तो कंस्ट्रक्टिव इंटेंशन को भी नेग्लिजेंस कहते हैं नेग्लिजेंस इज अ वे टू कंस्ट्रक्टिव इंटेंशन ओके उसके बाद यहां पर एक केस भी था चैंडलर वर्सेज डी पी पी नाइनटीन सिक्सटी फोर केस जो था ट्विन केस कॉन्सेप्ट ऑफ डिफेंस ऑफ नेसेसिटी यहां पर आता है इस केस के बारे में इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे केस मैट के अंदर वॉट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डिफेंस ऑफ नेसेसिटी जब नेसेसिटी आती है जरूरत पड़ती है तो यू कैन यूज दिस एज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ़ योर डिफेंस और ये नेसेसिटी कौन से सेक्शन में डिफाइन है सेक्शन एटी वन सेक्शन एटी वन कहता है आई पी सी का एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रीवेंट अदर हार्म मतलब नेसेसिटी एंड द क्रिमिनल लॉ इन जनरल वी कैन रिमेंबर जहाँ पे नेसेसिटी आ जाए वहाँ पे क्रिमिनल लॉ एंड हो जाता है रेकलेसनेस लापरवाही का एक एग्जाम्पल ले सकते हैं क्या हा, हम हाँ एक एग्जाम्पल है अगर आपको कोई पिंपल ऑपरेशन के लिए आप जा रहे हैं किसी डॉक्टर के पास और वो पिंपल ऑपरेशन फेल हो जाए और आपकी डेथ हो जाए तो ये जो डॉक्टर है वो बुक होगा अंडर इंटेंशनल क्राइम नोन एज एक्ट ऑफ रेकलेसनेस रेकलेसनेस हो गई डॉक्टर की तरफ से लापरवाही करी है उसने एक पिंपल ऑपरेशन में डेथ कैसे हो सकती है तो रेकलेसनेस को इस एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं उसके बाद नेक्स्ट नेग्लिजेंस के अंदर ही दो और पार्ट आते हैं कल्पेबल केयरलेसनेस और सेकेंड आता है नॉलेज प्लस फारसाइटनेस जिसे कहते हैं नेग्लिजियंस और नेग्लिजेंस के अंदर हमको पता है कि क्वेश्चन ऑफ़ डिग्री प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल डिग्री मैटर करती है डिग्री ऑफ इंटेंशन इन नेग्लिजेंस के अंदर और नेग्लिजेंस को कैसे डिफाइन करते हैं ड्यूटी टू टेक केयर टुवर्ड्स अदर आपकी एक ड्यूटी है किसी की देखभाल करने की और आप वो ना करें तो वो आता है कम्स अंडर नेग्लिजियंस और एक फोर्थ पॉइंट है स्टैंडर्ड ऑफ केयर स्टैंडर्ड ऑफ़ केयर भी डिपेंड करता है कि आप नेग्लिजियंस के अंदर हैं या नहीं और स्टैंडर्ड ऑफ केयर भी फर्दर डिवाइड है मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्क और सोशल यूटिलिटी स्टैंडर्ड ऑफ केयर का मतलब आप किसी हॉस्पिटल में गए हैं आपको एक टूटी हुई खाट और मतलब बिल्कुल साइड कोने में बिल्कुल एडमिट कर दिया है जस्ट लाइक और नो वन इज टेकिंग केयर आपको मेडिसिन मिल रही है कि नहीं तो स्टैंडर्ड ऑफ केयर मैटर करता है वहाँ पे और एक जनरल बेसिक आइडिया जो वर्ड हम यूज़ करते हैं नेग्लिजियंस इज़ बेस्ड ऑन प्रोपोर्शनैलिटी तो प्रोपोर्शनलिटी पर डिपेंड करता है नेग्लिजियंस इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है सोशल यूटिलिटी तो सोशल यूटिलिटी क्या होता है इफ़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल यूटिलिटी टेक्स लीड्स रोल देन सम लेवल ऑफ हार्म इज़ अलाउड देयर इज़ नो नेग्लिजियंस मतलब अगर सोशल यूटिलिटी है इसकी मतलब ये पूरे समाज को बेनिफिट दे रही है या फिर किसी पर, एक सोसाइटी को बेनिफिट दे रही है तो वहाँ पर अगर थोड़ा बहुत हार्म भी किसी को हो रहा है तो वो अलाउ होगा वो नेग्लिजियंस के अंदर नहीं आएगा तो जो टर्म है सोशल यूटिलिटी वो नेग्लिजियंस को ख़त्म करता है देयर इज़ नो नेग्लिजियंस अगर डॉक्टर बोल दे कि यहाँ पे सोशल यूटिलिटी है कि यहाँ पे कोविड पेशेंट्स थे हमारे वार्ड के अंदर दैट्स वाई वी आर प्रोवाइडिंग यू द साइड बेड मतलब साइड कोने में एक बेड दिया टूटा सा क्यों क्योंकि हमारे मेन बेड में कोविड पेशेंट्स हैं तो एक सोशल यूटिलिटी है कि आपको इससे दूर रखना है तो दिस एक्ट कैन नॉट बी कम्स अंडर नेग्लीजियंस इसके बाद एक नोट और है जो सर ने लिखवाया था पार्ट ऑफ नेगलिजेंस विच इज़ नोन एज एडवर्ट नेग्लिजियंस विच शोज़ हैविंग नॉलेज एंड कैन बिकम रेकलेसनेस और कंस्ट्रक्टिव इंटेंशन कम्स अंडर सेक्शन 299 तो नेगलिजेंस जो भी एडवेंटेंटली नेगलिजेंस पार्ट होता है उसके अंदर नॉलेज भी शो होती है और वो रेकलेसनेस बन जाए लापरवाही बन जाए और या फिर कंस्ट्रक्टिव इंटेंशन बन जाए तो वो आ जाती है कल्पेबल होमिसाइड के अंदर सेक्शन 299 इसमें कुछ और पॉइंट्स हैं नोट्स फ्रॉड कैन नॉट बी डन बाय नेग्लिजियंस फ्रॉड रिक्वायर्स इंटेंशन अगर आप इसके साथ फ्रॉड कर रहे हैं तो वो नेग्लिजियंस के अंदर नहीं आता और सेकेंड थिंग है रेप कैन नॉट बी डन बाय नेग्लिजियंस तो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर फॉर इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी एंड इफ यू लाइक दिस इनिशिएटिव प्लीज़ शो योर रिस्पॉन्स थैंक यू थैंक यू सो मच